नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ने वाले हैं आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन, आइसोमराइजेशन का मतलब क्या है? तो आइसोमर्स का मतलब होता है कि मॉलिकुलर फार्मूला तो सेम रहता है लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाती हैं, फिर स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा या फिर स्टीरियो केमिस्ट्री उनकी चेंज हो जाएगी, तो उन्हें हम लोग कहते हैं आइसोमर्स, और इस प्रोसेस को कहेंगे आइसोमराइजेशन। तो एल्केन्स जो होते हैं, एल्केन्स को अगर हम लोग एनहाइड्रस ए एल सी एल थ्री और एच सी एल के साथ रिएक्शन करवाएं, तो जो हमें मिलने वाला है वो ब्रांच्ड एल्केन मिलेगा। एल्केन का अगर हम लोग एनहाइड्रस ए एल सी एल थ्री एच सी एल की प्रेजेंस में रिएक्शन कराने वाले हैं तो हमें ब्रांच एल्केन मिलेगा। अब ये जो दो होंगे ये होंगे चेन आइसोमर्स, तो ये प्रोसेस कहलाएगी आइसोमराइजेशन। ठीक है, एग्जांपल के तौर पर हम लोग एल्केन ले लेते हैं CH3, CH2 का होल 4 और CH3। तो इसमें 6 कार्बन हो गए, 4 ये और 5 6, 6 कार्बन के लिए एक सिंगल बॉन्ड है तो एन हेक्सेन, तो ये सिंपली हमारा एन हेक्सेन है। ठीक है, अब इसकी हमने रिएक्शन करा दी एनहाइड्रस AlCl3 और HCl के साथ। ठीक है, तो होगा क्या, इसमें 6 कार्बन है। अब 6 कार्बन तो इस तरीके से भी लग सकते हैं, 1 2 3 4 5, छठा मान लीजिए यहाँ पे लग जाए, ऐसे भी लग सकते हैं, या फिर 6 कार्बन इस तरीके से भी लग सकते हैं, 1 2 3 4 5, छठा कार्बन यहाँ पे लग जाए। तो ये दो मेजर प्रोडक्ट हमें इसमें मिलते हैं, ये हो जाएगा CH3, यहाँ पर दो बॉन्ड है तो 2H जोड़ दिए, यानी ये हो जाएगा CH2, यहाँ पे दो बॉन्ड तो CH2, यहाँ पे दो बॉन्ड तो CH2, एक बॉन्ड तो CH3, ये जो जुड़ा हुआ है ये क्या हो जाएगा, एक बॉन्ड जुड़ा हुआ है तो 3H यानी CH3। इसी तरीके से ये क्या मिलेगा हमें, एक बॉन्ड जुड़ा हुआ है तो 3H, तीन बॉन्ड जुड़े हैं तो 1H, दो बॉन्ड जुड़े हैं तो 2H, दो बॉन्ड जुड़े हैं तो 2H, एक बॉन्ड जुड़ा हुआ है तो 3H, साथ में ये एक बॉन्ड है तो ये 3H। नाम देख लिए क्या हो जाएगा इसका, इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, क्या नाम हो जाएगा, पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो एन हो जाएगा यानी पेंटेन, और तीसरे पे एक मिथाइल लगा हुआ है तो क्या बोलेंगे, 3-methyl pentane। ठीक है, इसमें देखिए 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है तो पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो एन पेंटेन, और दूसरे पे एक मिथाइल लगा हुआ है तो क्या बोलेंगे, 2-methyl। ठीक है, ये अगर हम लोग देखें हेक्सेन में, तो हेक्सेन में भी 6 कार्बन है और H कितने हैं, 3 और 4 दुनी 8, 8 3 11 3 14, H 14 है। अगर इनमें भी देखेंगे तो आपको 6 कार्बन मिल रहे हैं और H 14 मिल रहा है, तो मॉलिकुलर फार्मूला तो सेम है लेकिन ये हमारा हेक्सेन है, ये 2-methyl pentane है, तो दोनों की प्रॉपर्टीज़ क्या होंगे, डिफरेंट। इसी तरीके से ये 2-methyl pentane है, 3-methyl pentane है, ये हेक्सेन है, इन तीनों की प्रॉपर्टी क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। तो ये सब आइसोमर्स हैं क्योंकि मॉलिकुलर फार्मूला सेम है लेकिन डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, तो इस प्रोसेस को कहेंगे आइसोमराइजेशन, राइट।